नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या अदानी ग्रुप पर लगे फ्रॉड के आरोप LIC को भी ले डूबेगा? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड के आरोप लगने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे, क्योंकि अदानी ग्रुप में प्रमोटर के अलावा LIC का सबसे अधिक निवेश बताया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने निवेशकों में भरोसा बनाए रखने के लिए एक बयान जारी किया है। आज मार्केट में अदानी समूह के FPO का सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया। अबुधाबी के एक समूह ने $400 मिलियन का निवेश कर दिया है। क्या इसके पीछे भी कोई राज है? सवाल है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो आरोप लगाए हैं, क्या सरकार उसकी जांच करेगी? सेबी की तरफ से कोई जांच होगी? अदानी समूह के कुछ शेयरों के दाम में सुधार देखे गए हैं, लेकिन जो गिरावट आई है उसकी रिकवरी अभी दूर नजर आती है। अदानी समूह के शेयरों की खराब हालत को देखकर उसे लोन देने वाले या इक्विटी खरीदने वाले बैंकों और LIC को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। बैंकों और LIC की तरफ से सफाई आ गई है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मगर चिंता की लकीरें यहां वहां दिखाई भी दे रही हैं। क्या LIC अदानी ग्रुप को बचा रहा है जिसके कारण उसे घाटा हो रहा है? इन आरोपों में कितना दम है, इन सब पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं रविश कुमार ऑफिशियल। हम YouTube पर भी हैं और Facebook पर भी। इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। मिंट अखबार में छपी है। शाइन घोष की खबर में दो वरिष्ठ बैंकरों से बातचीत का ब्यौरा है। इन बैंकरों के नाम नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड बयान है। मिंट लिखता है कि दो वरिष्ठ बैंकरों ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके बैंक से जानकारी मांगी है कि अदानी ग्रुप में कितने पैसे लगे हैं। यह पिछले हफ्ते की बात है। इसका मतलब है कि बैंकों ने जो लोन दिए हैं या निवेश किए हैं उसके डूबने की आशंका को लेकर रिजर्व बैंक भी चिंतित है। शायन घोष की रिपोर्ट में लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बैंकर सतर्क हो गए हैं। भले ही अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण से लेकर फर्जी बताया है, झूठ का पुलिंदा बताया है, लेकिन बाजार के भीतर इसे लेकर कान खड़े हो गए हैं। हिंदी प्रदेश के दर्शकों, क्या आपके अखबारों में ये सब विस्तार से छप रहा है? आप अखबार और चैनल के पैसे देते हैं, आप सिंपल हिसाब समझिए। आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है और आपसे ही पैसा लेकर अखबार और चैनल उसकी खबरें गायब कर दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो क्या ये अच्छा है? गोदी मीडिया से पूछिए कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी समूह पर फ्रॉड के आरोप लगे हैं, उसकी क्या रिपोर्टिंग है? क्या खारिज कर देने से काम हो जाता है? मिंट की रिपोर्ट कह रही है कि बैंक सतर्क हो रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक उनसे पूछ रहा है। फिर ये सारी बातें ऑफ रिकॉर्ड क्यों छप रही हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को ऑन रिकॉर्ड आकर कहना चाहिए कि उसकी चिंताएं क्या हैं, क्यों बैंकों से पूछा जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड होगा तो लोगों में ज्यादा भरोसा बनेगा। मार्केट का पैसा डूब रहा है या डूबने वाला है और यहां ऑफ रिकॉर्ड का ड्रामा चल रहा है। अभी तक सेबी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। आज भी शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों के दाम गिरे हैं, कुछ कुछ के बढ़े भी हैं। CNBC TV18 से अदानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगशिंदर सिंह जी ने कहा है कि अदानी ग्रुप भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से डील करता है। अदानी ग्रुप पर $30 अरब का कर्जा है, जिसमें से $9 अरब का कर्जा भारतीय बैंकों का है। प्रतिशत के हिसाब से भले ही विदेशी संस्थाओं ने अदानी ग्रुप को ज्यादा लोन दिए या किसी और रूप में निवेश किए हैं, लेकिन भारत के सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी इतनी भी मामूली नहीं लगती कि हम फिक्र ही ना करें। खबरें छपी हैं कि पिछले 2-3 सालों से अदानी समूह को दिया गया भारतीय बैंकों का लोन घटता जा रहा है और जीवन बीमा इस ग्रुप के शेयर खरीदता जा रहा है। तो भारतीय बैंकों का लोन कम हुआ, मगर एक भारतीय कंपनी की इसमें हिस्सेदारी बढ़ती चली गई, उसके शेयरों को खरीदती चली गई। क्या इसे किसी पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है कि लोन का हिस्सा कम कर निवेश का हिस्सा बढ़ा दिया जाए? हम इन मामलों के विशेष जानकार तो नहीं है, इसलिए सहज बुद्धि से सवाल कर रहे हैं। वैसे अदानी ग्रुप संकट में आया तो उसे लोन देने वाली विदेशी संस्थाएं भी संकट में आ सकती हैं, और तब यह भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। इन विदेशी संस्थाओं ने इसी भरोसे लोन दिया होगा कि भारत की कंपनी है तो नियम कानून से चलती होगी, कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह से पहले की कंपनियां बर्बाद हुई हैं, अगर वैसा कुछ हो गया तो क्या भारतीय बैंक या विदेशी संस्थाएं इस झटके को बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उनके लोन का हिसाब पूछा है, जिसकी रिपोर्ट मिंट में छपी है? अगर भारतीय बैंकों पर किसी भी तरह का खतरा है तो भारत पर यह हमला
बाहर से नहीं हुआ है, अंदर से हुआ है। क्या इसलिए भी अदानी ग्रुप को अज्ञात तरीके से बचाने की चर्चाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी, मगर तथ्य कभी सामने नहीं आएंगे कि यह सत्य है या झूठ है? अदानी ग्रुप हमेशा ऐसी बातों को गलत बताता रहा है। सवाल है कि अदानी ग्रुप की कंपनी का रिकॉर्ड इस तरह का क्यों है, उसकी साख ऐसी क्यों है कि एक रिपोर्ट भर से शेयरों के दाम चार दिन से गिरते ही चले जा रहे हैं? क्या यह भारत पर भीतर से हमला नहीं है? क्या ऐसी कमजोर कंपनियों के सहारे भारत आर्थिक जगत में अपना सीना फुला रहा है, जो एक रिपोर्ट के आने भर से भारत पर हमला चिल्लाने लग जाती हैं और उनके शेयरों के दाम गिरने लग जाते हैं? डू यू गेट माई पॉइंट? पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AK गोयल का मिंट में बयान छपा है कि उनके बैंक ने अदानी ग्रुप को 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज दिए हैं। CNBC टीवी 18 को भारतीय स्टेट बैंक ने भी कहा है कि रिजर्व बैंक जितनी इजाजत देता है उससे बहुत ही कम स्टेट बैंक ने अदानी ग्रुप को लोन दिया है या किसी तरह का निवेश किया है। बैंक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक ने CNBC टीवी 18 से कहा कि अदानी ने जो भी खरीदा है उसमें भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी नहीं है, एक्विजिशन में विदेशी बैंकों या संस्थाओं की है। CNBC टीवी 18 की रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने यह नहीं बताया है कि अदानी ग्रुप पर बैंक का कितना लोन है। हांगकांग के कैपिटल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप CLSA का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा है कि अदानी ग्रुप की चोटी की 5 कंपनियों पर 2,00,000 करोड़ से अधिक के उधार हैं। भारतीय बैंकों ने 81,000 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। CLSA ने भी कहा है कि भारत के सरकारी बैंकों के लोन की हिस्सेदारी बहुत ही कम है, यानी विशेष चिंता की बात नहीं। भारत के सरकारी बैंक चिंतित नहीं हैं और भारतीय बैंकों ने अपनी क्षमता की सीमा से कम ही लोन दिए। आपको एक पुरानी खबर की याद दिलाना चाहता हूं इसी बात पर। 2011 के साल में इसी तरह एक और रिपोर्ट आई थी, तब विजय माल्या ने भी खंडन कर दिया था। आज विजय माल्या कहां है आप जानते हैं? 16 सितंबर 2011 के टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर आप देख लीजिए। उस वक्त कनाडा की एक रिसर्च कंपनी वेरिटास ने इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि किंग फिशर एयरलाइंस अपने रिकॉर्ड ठीक से नहीं बताती है, कंपनी के बही खाते में कई सारी गड़बड़ियां दिखाई पड़ती हैं, अपने कर्जे को यह कंपनी कम बताती है। तब विजय माल्या ने ठीक वही कहा जो आज अदानी ग्रुप ने कहा है, इसे दुर्भावनापूर्ण और सनसनीखेज बताया था। विजय माल्या ने तब भारत पर हमला नहीं कहा था, अदानी ने इसे भारत पर हमला बोला है। अगर उस समय विजय माल्या कनाडा की कंपनी की इस रिसर्च को भारत पर हमला बताते तब क्या होता? आज माल्या फरार हैं, उन्हें सरकार भारत की जेल में डालने के लिए जाने कितने साल से मुकदमा ही लड़ रही है। वेरिटास कंपनी की रिपोर्ट आखिर सही साबित हुई। आज आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, किंगफिशर नाम की हवाई जहाज कंपनी का अता पता नहीं मिलेगा। विजय माल्या का इतिहास आपके सामने है। भारतीय इतिहास के किस चैप्टर में आप विजय माल्या के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जनाब तो भारत से ही भाग गए हैं। पता चला कि ब्रिटेन के इतिहास के चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। ब्रिटेन दावा करने लगा है कि ये आदमी भागकर हमारी कंट्री में आया है, तो ब्रिटेन की हिस्ट्री के चैप्टर में होगा। जब अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर हमला कहा है, तब ऐसे में सेबी नाम की संस्था क्यों चुप है? उसे सार्वजनिक बयान देना चाहिए था। जब बैंक सार्वजनिक रूप से जवाब दे रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम ने बयान जारी किया है, तब सेबी क्यों चुप है? एक तरफ सेबी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ खबर आती है कि अडानी के शेयर ज्यादा ना गिरे इसके लिए सर्किट लिमिट को 20% से 10% कर दिया गया है। हिंदी में ऐसे समझिए, सीधे पाताल लोक में ना चले जाएं, इसलिए उसके पहले एक फ्लोर और जोड़ दिया गया है, यानी